दोनों तरफ आगे कनेक्टर बने हुए होते हैं। आप इस समय जा सकते हैं, इसको हम लैन केबल कह सकते हैं, जिसके दोनों तरफ आगे कनेक्टर बने। एक ये लैन केबल हो गया जिसकी अवेलेबिलिटी जरूरी है लॉग इन होने के दौरान, और दूसरा आपके साथ उस तरह का है नई बातें हर एक डिजिटल इंजीनियर के पास उस तरह का एक स्टाफ है जो स्टाफ अवेलेबल होता है, उसका पास में डिजिटल के पास अवेलेबल होता है। इसमें दो चीज़ें होगी, एक ये लैन केबल हो गया जिसके थ्रू हम और दूसरा लैपटॉप हो गया। अभी ये लैन केबल हम किस तरह कनेक्ट करते हैं, लैन केबल का एक तरफ जाना है, लैन केबल का एक पोर्ट हम जितने की इशू का जो एक पोर्ट है ना आज देखेंगे पाए हम एक साइड जो है ना लैन केबल का उसी पोर्ट पर कनेक्ट करेंगे। ये कनेक्ट हो गया, ठीक है। ये आज जो कनेक्शन वाला पोर्ट है, ये दूसरा वाला पोर्ट जो है ना दूसरा नंबर पोर्ट जो है उस पर हम USB कनेक्ट करते हैं। USB पर हम उसमें कोई डाटा इंपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, इसके अलावा हम उसमें कुछ डेरा फाइल अपलोड कर सकते हैं, जैसे कि USB को हम अपग्रेड कर सकते हैं USB के अंदर। अभी लॉग इन होने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, तो इधर कनेक्ट हो गया USB के ऊपर, ठीक है। इसका भी दूसरा साइड है, दूसरा केबल का दूसरा तरफ, ठीक है। केबल का दूसरा सिरा आप लोगों ने स्टाफ के आगे कंप्यूटर पोर्ट पर कनेक्ट करना है, जैसा कि मैंने कनेक्ट कर रहा हूँ। ये जब मैं सोच रहा इसको जब मैं चीज से बिता दूँ उसको एक केबल इधर कनेक्ट हो गया, ठीक है। एक केबल इधर लग गया, केबल का एक सिरा इधर कनेक्ट हो गया, जिसकी इसकी कंपनी के ऊपर और दूसरा स्टाफ लेवल के। अभी बाकी काम जो है ना हम किस तरह करना है, बाकी काम में अच्छा फ्रेंड्स, जी TCSU को हम तब लॉग इन होते हैं जब नया साइट हो, मतलब ये तो पुराना साइट है, ये चल रहा है, ये ऑलरेडी CSU जो है ना जी TCSU 500 भी ऑलरेडी अपग्रेडेड है। लेकिन मैं नया साइट की बात करता हूँ, मतलब ये कैबिनेट जो है ना जिस टाइम ये नया आ जाए उसी टाइम हमको CSU अपग्रेड करने की ज़रूरत होती है। तो हम लैपटॉप के थ्रू कौन से CSU को अपग्रेड करता है अभी मैं आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है। आप लोगों ने इधर आना है, इस वर्जन आई वाला जो आइकन है, ठीक है, इधर ऊपर वर्जन लिखा हुआ है, आप लोगों ने इस वर्जन पर सेलेक्ट करना है, इसको एंटर करना है। एंटर दबाने के बाद ये सिस्टम वर्जन लिखा हुआ है, ठीक है, सामने आप देख सकते हैं। आप लोगों ने दोबारा एंटर प्रेस करना है, एंटर प्रेस करने के बाद थोड़ा आप लोगों ने ये नीचे वाले एरो पर क्लिक करना है, तो ये सॉफ्टवेयर वर्जन लिखा हुआ है, ठीक है। सॉफ्टवेयर वर्जन ये ऑलरेडी अपग्रेडेड है, सॉफ्टवेयर रिलीज डेट भी है, मतलब 9/4/2021, ये ऑलरेडी अपग्रेडेड है। जिस सॉफ्टवेयर वर्जन के आखिर में 07 आ रहा हो ना, तो उसको हम लैपटॉप के थ्रू फिर अपग्रेड करते हैं। जब लैपटॉप से हम इसको अपग्रेड कर देते हैं, उसके बाद हम इसमें सिस्पेरा फाइल अपलोड करते हैं। सिस्पेरा फाइल सिस्टम पैरा फाइल हम फिर USB से भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन जो ये अपग्रेड करना है ना, जिस CSU के आखिर में 07 अगर इधर आ रहा हो, तो उसको हमने मजबूरन लैपटॉप के थ्रू अपग्रेड करना होता है, ठीक है। बाकी काम मैं आप लोगों को लैपटॉप के स्क्रीन पे समझाने की कोशिश करता हूँ। हम IP की सेटिंग करेंगे, इसके अलावा फिर हम गूगल क्रोम में जाएंगे, गूगल क्रोम में भी IP सेट करेंगे। तो बाकी काम हम सीखते हैं लैपटॉप के स्क्रीन पे भी, चलते हैं स्क्रीन की तरफ। अच्छा फ्रेंड, तो मैं ये लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ आ चुका हूँ। आप लोगों ने इधर ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर में आना है।
इसके बाद आप लोगों ने इस इंटरनेट पर क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ में आना है। प्रॉपर्टीज़ पर आने के बाद इसको स्क्रॉल डाउन कर इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4.tcp/ipv4 पर क्लिक करना है। इधर इसकी सिस्टम की आईपी हम सेट करते हैं। बाकी वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखा दिया है कि हम सिस्टम की आईपी किस तरह सेट करते हैं। इधर आप लोगों ने सिस्टम आईपी डालना है 192.168.1.3, ठीक है। नीचे आप एक दफ़ा क्लिक लेके सबमिट मास्क खुद ही आ जाएगा। डिफ़ॉल्ट गेटवे आप रख दे 192.168.1.1। डिफ़ॉल्ट गेटवे भी बिल्कुल आईपी की तरह होती है, जस्ट लास्ट में इसकी 1 आता है, ठीक है। आप इस ओके पर क्लिक करें। इधर इस विंडो को भी मैं ओके करता हूँ, इसको मैं क्लोज करता हूँ, ठीक है, क्योंकि ओके का ऑप्शन ही नहीं है। इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ। इसके बाद गूगल क्रोम पे आते हैं। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आप गूगल क्रोम के सर्च बार में लिख दें 192.168.1.2। जिस तरह के सिस्टम आईपी आप लोगों ने डाला था, उधर 3 आ रहा था लास्ट में, इधर 2 आ रहा है, ठीक है। मेरे पास ये सेव खुद ही डिटेक्ट हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोगों ने फिर इस एडवांस पर क्लिक करना है। एडवांस पर क्लिक करने के बाद नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, प्रोसीड। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ लोडिंग कर देगा। लोडिंग करने के बाद ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आप लोगों को शो होगा। अभी इधर आप लोगों ने यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है। इसकी पासवर्ड काफ़ी मुश्किल है, इसकी पासवर्ड ये इधर की पासवर्ड आप लोगों ने टाइप करना होगा। अगर आपकी बोर्ड में मास्टर हो तो इसकी पासवर्ड आप इजीली इंटर कर सकते हो, इसकी पासवर्ड आप इजीली टाइप कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको की बोर्ड के सारे बटन का नहीं पता, सारे ऑप्शन का नहीं पता, तो आप इसकी पासवर्ड टाइप नहीं कर सकते। आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, सेम इसी तरह की पासवर्ड आप लोगों ने डालना है। ठीक है फ्रेंड्स, पासवर्ड डालने के बाद आप लोगों ने इस लॉगिन पर क्लिक करना है। ठीक है फ्रेंड्स, लॉगिन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आप लोगों को शो होगा। अभी आप ये सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इस वीडियो से सीखा होगा कि हम किस तरह से TSE 501B में लॉगिन होते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ सीखने समझने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और हमारे आने वाले वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल TK Telecommunication को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि और जितनी भी वीडियोज़ में अपलोड करता हूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन आसानी से मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।